हाय एवरीवन, नमस्कार फ्रेंड। आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ सी ब्रीड के बारे में, ठीक है। तो फ्रेंड, अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो आपको सी ब्रीड जो है एक एक करके याद हो जाएगा, क्योंकि मैं इसमें स्पेशल ट्रिक भी बताने वाला हूँ कि कैसे आपको याद करना है। इसके अलावा जो है सीप से रिलेटेड जो है डिफरेंट टर्म जो कौन से यूज किए जाते हैं वो भी इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। और इसके अलावा जो एवरी जितने भी सीप मैं बताऊँगा उसका जो इम्पॉर्टेंट करेक्टर है वो भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो फ्रेंड, विदाउट टाइम वेस्टिंग लेट्स स्टार्ट वीडियो। फ्रेंड, तो बात करते हैं सी ब्रीड, ठीक है। सी ब्रीड जो है अगर इंडिया में पूछा जाए कितना होता है, तो अभी तक रजिस्टर्ड है 42 ब्रीड। कितना? 42 ब्रीड। तो फ्रेंड, इसको जो है जो सी ब्रीड का क्लासिफिकेशन किया गया है वो किया गया है डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया के अनुसार, ठीक है। जो पहला जो क्लासिफिकेशन किया गया है सीप का वो है नॉर्दर्न टेम्परेट रीजन। ओके फ्रेंड, पहला कौन सा है? नॉर्दर्न टेम्परेट रीजन। अब इसके में कौन कौन से ब्रीड सम्मिलित हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो है कासीराम, गुर्राकर, गड्डी से, भाखरा, चंगा, पहुंचा, ठीक है। बस ये हो गया खत्म। नॉर्दर्न टेम्परेट रीजन के जो है ब्रीड खत्म हो गए। इसमें क्या है? कासीराम, गुर्राकर, गड्डी से, भाखरा, चंगा, पहुंचा, ठीक है। तो अब इसमें एक एक मैं बताता हूं। पहला आता है कासी। कासी से क्या हो गया? कश्मीर मैरिनो। ओके फ्रेंड, दूसरा क्या है? राम। क्या हो गया? रामपुर बुसैर। तीसरा क्या है? गुर्रा। गुर्रा मतलब क्या होता है? गुरेज। ओके, फोर। फोर क्या है? कर। कर मतलब करना। गड्डी, ठीक है। गड्डी, गड्डी एक ब्रीडी है, GADDI, गड्डी। भाकरा से ऐसे सेंटेंस बढ़ाने के लिए किया गया, उसका कोई मतलब नहीं। भाकरा, भाकरा मतलब भाकरवाल। चंगा, चंगा मतलब चंगथांगी। पहुंचा, पहुंचा मतलब पूंछी। ओके फ्रेंड, तो ये ब्रीड हो गए। इतने ब्रीड आपको याद रखने हैं, 8 ब्रीड हैं नॉर्दर्न टेम्परेट रीजन में, ठीक है। तो कौन सा हुआ? कश्मीर मैरिनो, रामपुर बुसर, गुरैज, करना, गड्डी, भाकरवाल, चंगाथंगी, पूंछी। फ्रेंड, इसमें जो है आपको ये भी याद रखना है कहाँ कहाँ पर, मतलब कहाँ कहाँ की स्पीसीज है। कश्मीर मैरिनो तो समझ ही रहे हैं, ये कश्मीर की है, ठीक है। रामपुर बुसर जो है ये उत्तरांचल की है, नैनीताल में स्पेशल पाया जाता है। गुरेज ये भी कश्मीर का है। करना, करना तहसील है कश्मीर में, वहां की है। गड्डी कहाँ है? कुड्डू, कुल्लू मनाली जो है आपने सुना, कुल्लू, ठीक है। तो वो जो है हिमाचल प्रदेश की है। भाकरवाल कश्मीर, चंगाथांगी कश्मीर,
उंची कश्मीर। तो फ्रेंड सिंपल सा याद रखो, सिर्फ जो है रामपुर बुशहर और गड्डी ये दोनों अलग अलग स्टेट के हैं, बाकी सब कश्मीर का ही है। रामपुर बुशहर उत्तरांचल का याद रखो, ठीक है, नैनीताल वहाँ पे, और गड्डी जो है वो कुल्लू का है, मतलब हिमाचल प्रदेश का, ठीक है, ये याद रखना। और बाकी जितने भी स्पीसीज हैं सभी वो हैं। तो आपको याद रखना है, काशी राम गुर्राकर गड्डी से भाकरा चंगा पहुँचा, ठीक है फ्रेंड। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं, जैसे कश्मीर मैरिनो हुआ, ये जो है क्रॉस ब्रीड रहता है, ठीक है, क्रॉस ब्रीड रहता है, किसका होता है, डिफरेंट मैरिनो ब्रीड। एक्चुअल जो मैरिनो होता है एक्जॉटिक ब्रीड होता है, ठीक है, तो उसमें जैसे हुआ राम बाउलेट, ठीक है, ये सब ब्रीड होता है, तो इसको जो है भाखरवाल या गड्डी इन सब से क्रॉस करके बनाया जाता है, ठीक है, एक्जॉटिक ब्रीड है, और जो अपना देसी ब्रीड भाखरवाल गड्डी इन सब से क्रॉस करके इसको कश्मीर मैरिनो बनाया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद गुरेज, गुरेज याद रखो फ्रेंड, जो है सबसे बिगेस्ट होता है, अगर कश्मीर रीजन में देखा जाए जो जितने भी कश्मीरी ब्रीड हैं सबसे बिगेस्ट है कौन सा, गुरेज गुर्राकर, ठीक है, गुरेज बिगेस्ट। और गड्डी से जो है जो कुल्लू सॉल्स होते हैं और ब्लैंकेट होते हैं, ठीक है, वो बनाए जाते हैं गड्डी से, ओके। भाकरवाल का याद है, ये एक्सीलेंट क्लाइंबर रहते हैं, मतलब पेड़ों पे बिंदास चढ़ जाते हैं, और इससे जो है लोई बनाया जाता है, LOEI, ये लोई मिलता है, ठीक है। पुंची, पुंची का याद रखना है, जितने भी अधिकतर पुंची होते हैं वो अधिकतर हॉर्नलेस रहते हैं, ठीक है, कभी कभार जो है हॉर्न पाया जाता है, नहीं तो सभी जो है हॉर्नलेस रहते हैं। और जितने भी ये सभी ब्रीड होते हैं ये सब फाइन ऊल इससे मिलते हैं, ठीक है, याद रख लो, ठीक है, फाइन ऊल मतलब ऊल अच्छा मिलता है फ्रेंड। अब बता रहे हैं कि नॉर्थ वेस्टर्न एंड सेमी रीजन की कौन कौन से ब्रीड हैं, ये दूसरे टाइप का है। तो इसको फ्रेंड जो याद करने का तरीका है, सोनाली, ठीक है, सोनाली हिसार में जैसे माल चुकाने का मांग मारी, मुझे पता है पागल है, ठीक है, सोना सोनाली, ठीक है, थोड़ा सा अलग लिखेंगे, सोनाली हिसार में जैसे माल चुकाने का माग मारी, मुझे पता है पागल है, ठीक है फ्रेंड। अब इसका ब्रीड कैसे होगा, सोनास हो गया, इसको एक ही में लिख देंगे सोनाली, ठीक है, सोनाली, ओके। अब यहां पे जो है दो बनाया, ठीक है, सोनाली पहले से क्या हो गया, सोनाडी, ठीक है, पहला ब्रीड कौन हो गया, सोनाडी सो से, और नाली दूसरा नाली ब्रीड, NALI नाली ब्रीड, तीसरा कौन सा हो गया, हिसार, हिसार मतलब क्या है, हिसारडेल, ठीक है। अगला कौन सा है, मैं ऐसे ही है, जैसे, जैसे मतलब जैसलमेरी, माल, माल मतलब मालपुरा, चुकाने, चुकाने मतलब चोकला,
का, यहाँ पे का मतलब है फ्रेंड कैथीवार, कैथीवार ठीक है। मांग, मांग मतलब मांगरा। मारी, मारी मतलब मारवाड़ी। ठीक है, मुझे, मुझे क्या है, मुजफ्फरनगरी। पता है पतनवाड़ी। बारह, पागल है, पागल मतलब पुगल। यहाँ पे जो दोनों हैं ये ऐसे ही सेंटेंस बढ़ाने के लिए। तो अगला कौन है, पुगल। तो अगर आप जो है इस तरह से याद रखेंगे तो आपको 12 अच्छे से याद हो जाएंगे, अगर अदरवाइज जो है इनको याद रखना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है फ्रेंड, अब मैं बता रहा हूँ ये ब्रीड कहाँ की है, उसके बारे में भी एक ट्रिक है। आप सिर्फ नाली और पतनवाड़ी, ठीक है, ये दोनों को याद रखो। ये दोनों कहाँ के हैं, गुजरात। सबसे पहले मैं इसी का लिख देता हूँ, गुजरात। ठीक है, पतनवाड़ी कहाँ की है, गुजरात। ठीक है, और हिसार डेल कहाँ का है, हिसार का ही है, हरियाणा का। और एक ये याद रखो, मुजफ्फरनगर, ये कहाँ का है, यूपी का है। फ्रेंड इसके अलावा जितने भी बस्ते हैं सब राजस्थान। सोनाडी कहाँ का है, राजस्थान। ठीक है, जैसलमेरी कहाँ का है, राजस्थान। मालपुरा कहाँ का है, राजस्थान। चोकला कहाँ का है, राजस्थान। कैथीवार कहाँ का है, राजस्थान। मांगरा कहाँ का है, राजस्थान। मारवाड़ी कहाँ का है, राजस्थान। अनपुगल कहाँ का है, राजस्थान। ठीक है फ्रेंड, इस तरह से जो है आप याद रखें। तो एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूँ, क्या है, सोनाली। सोनाली में दो वर्ड हैं, सो मतलब होता है सोनाडी, नाली एक ब्रीड ही है। ठीक है, हिसार, हिसार डेल। मे जो है यहाँ सेंटेंस बढ़ाने के लिए दिया गया है, इसका कोई वो नहीं है। जैसे, जैसे मतलब जैसलमेरी। माल, यहाँ पे मैं नंबरिंग कर दूँ ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, सोनाली क्या, ए हो गया 1, सोनाली, नाली, हिसार डेल, जैसे मतलब जैसलमेरी, माल मतलब मालपुरा, चुकानी मतलब चोकला, का मतलब कैथियावार, मांग मतलब मांगरा, मारी मतलब मारवाड़ी, मुझे, मुझे मतलब मुजफ्फरनगर, ये 10 नंबर पे। पता है पतनवाड़ी, ये 11 नंबर पे। पागल मतलब पुगल, ये 12 नंबर पे। ठीक है, ये 12 जो नंबरिंग मैंने किया है ये यहाँ पे किया है। तो फ्रेंड अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक है, अब फ्रेंड इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में थोड़ा थोड़ा बात कर लेते हैं। तो इसमें आपको याद रखना नाली के बारे में। ठीक है, नाली में क्या होता है, कैनरी कैलरेशन होता है उल का, जो उसमें उल पाया जाता है उसमें कैनरी कैलरेशन। कैनरी मतलब जो कैनरी का, कनेल का फूल होता है उसकी तरह जो है येलोइश अपीयरेंस होता है। ठीक है, और हिसार डेल जो है एक क्रॉस ब्रीड रहता है। क्रॉस ब्रीड आपको पता है, इसमें जो है ऑस्ट्रेलियन मैरिनो रैम्स। ठीक है, मैरिनो रैम्स, रैम मतलब उसका मेल। ठीक है, मैरिनो रैम लिया गया, ऑस्ट्रेलिया मैरिनो रैम। इसको क्रॉस कराया गया किससे, बीकानेरी ईयू। अब बीकानेरी ईयू पता है किसको बोलते हैं फ्रेंड, मांगरा को जो है बीकानेरी ईयू मतलब फीमेल। ठीक है, इससे क्रॉस कराया गया तो हिसार डेल बना, ये आपको याद रखना है। चोकला को फ्रेंड झुनझुन, चुरू या झुनझुन भी बोलते हैं। ठीक है, किसको, चोकला को चुरू या झुनझुन बोलते हैं। ठीक है, इसको जो है सिखावत ब्रीड भी बोलते हैं। और इसमें जो है जितने भी हैं, मतलब अंधों में कान राजा, मतलब ऊल तो मिलता ही है, लेकिन ये जितने भी ब्रीड है राजस्थान के उसमें जो है सबसे फाइन ऊल जो है इसी का मिलता है, चोकला का। ठीक है,
रोमन नोज इसमें होता है, और अगला क्या है इसको जो है इंडियन मैरिनो भी बोलते हैं। ओके, आपको याद रखना है, कैथिवार में याद रखना है। इसके जो है एक्चुअली फ्रेंड जितने भी ये ब्रीड हैं नॉर्थ वेस्टर्न एंड सेमी एरिड रीजन, ये जो है कारपेट वूल ही इससे बेस्ट रहता है। तो सबसे बेस्ट जो है कारपेट वूल किससे मिलता है, कैथियावर से, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, जूरिया, ये पॉइंट आपको याद रखना है, जूरिया किससे मिलता है, कैथियावर से। मारवाड़ी जो है हाईएस्ट डिजीज रेजिस्टेंट जो है सी ब्रीड रहता है, ठीक है। और ये ट्रिपल परपेज, ट्रिपल मतलब क्या होता है, इससे मीट ही होता है, ऊल भी रहता है और मिल्क भी होता है, ठीक है, ट्रिपल पर्पज ब्रीड। अब पुगल में याद रखना है फ्रेंड, जो आईब्रो रहता है, ठीक है, जो आईब्रो रहता है उसमें जो है येलो स्ट्रिक होता है। ओके फ्रेंड, फ्रेंड अब बात करते हैं साउथर्न रीजन के जो ब्रीड हैं वो कौन कौन से हैं। तो इसका जो याद करने का तरीका क्या है, ट्रिक है, वो है, ठीक है, लिख लीजिए, राम हसन किलकारी, ठीक है, राम हसन किलकारी ये नाम है, राम हसन किलकारी ये मामी है, ठीक है, ये मामी का नाम है, मामिच, ठीक है, थोड़ा सा लैंग्वेज अच्छा यूज करेंगे, मामिच, राम हसन किलकारी मामिच ने मंडिया को नीले अंबर में कंगूरी बेल दिया। ओके फ्रेंड, तो इस तरह से आपको याद रखना है, ठीक है। तो इससे आपको पूरा ब्रीड याद होता है, राम हसन किलकारी मामिच, मतलब राम हसन किलकारी नाम है, ठीक है, मामिच, ठीक है, मामी को मामिच अलग अलग लिख दिए हैं, ने मंडिया को नीले अंबर में कंगूरी बेल दिया। तो फ्रेंड तो चलो ब्रीड लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला ब्रीड कौन सा हो गया फ्रेंड, राम नंद वाइट, ठीक है, ये ब्रीड हो गया। दूसरा कौन सा हो गया, हसन, ये जो हसन है ये दूसरा ब्रीड हो गया, ठीक है। तीसरा क्या है, किलकारी, ठीक है, इसे ब्रीड कौन सा हो जाएगा, किलकारसल। किलकारी ये जो मामिच है, मामिच का जो पहला माँ है इससे होता है मद्रास रेड, ठीक है। मिच, मिच मतलब मिचेरी, ने निल्लौर, मंडिया, मंडिया ब्रीड ही है, ठीक है, मंडिया को जो है कोयम्बटोर, इको हो गया तो नीले, नीले मतलब नीलगिरी, अंबर तो इसको जो है अंबर ही रहेगा, ये अंबर हो गया, ठीक है। कंगूरी तो होता है केंगूरी, ठीक है। बेल, बेल मतलब बेलारी, फ्रेंड आप बेल जानते हैं ना, खाने वाला है बेल, बेलारी। दिया मतलब डेक्कानी, देख रहे फ्रेंड कितने हो गए, 13 ब्रीड हो गए, ठीक है। इसको अगर आप रट लेते हैं, राम हसन किलकारी मामिच ने मंडिया को नीले अंबर में कंगूरी बेल दिया, तो उसके हिसाब से कर लेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं रिविजन करा देता हूँ, किलकारी माँ मतलब होता है मद्रास रेड, मिच मतलब मिचेरी, ने मतलब निल्लौर, ठीक है,
मंडिया मतलब मंडिया ब्रीड ही है, साथ को मतलब कोयम्बटूर, नीले नीलगिरी, अंबर अंबर, ठीक है ये सेंटेंस बढ़ाने के लिए, कंगूरी ठीक है, बेल बेल्लारी, दिया टेकनी, ठीक है इस तरह से आप याद रखेंगे तो सब याद हो जाएंगे। ओके अब फ्रेंड बात कर लेते हैं कि इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, कहाँ की है वो स्टेट आपको याद रखना है। तो फ्रेंड अधिकतर इसमें जो है तमिलनाडु के हैं, ठीक है तमिलनाडु के जो है, अब इसमें जो है अलग कौन से हैं, एक है हसन, हसन कहाँ का है कर्नाटका का, ठीक है और निल्लौर ये कहाँ का है आंध्र प्रदेश का, इसके बाद जो है मंडिया कहाँ का है कर्नाटका का है, ठीक है कर्नाटका की इसमें तीन चार हैं, ठीक है हसन मंडिया केंगुरी बेल्लारी, ठीक है ये चार जो है कर्नाटका के हैं और डेक्कानी तो आप जान ही रहे हैं महाराष्ट्र का है और बाकी जितने भी बचे हैं सभी जो है तमिलनाडु के हैं, जैसे रामानंद व्हाइट तमिलनाडु, हसन कर्नाटका, किलकारसल तमिल, मद्रास रेड तमिल, मिचेरी तमिल, निल्लौर आंध्र प्रदेश, मंडिया कर्नाटका, कोयम्बतूर तमिल, नीलगिरी तमिलनाडु, अवेम्बर तमिलनाडु, कंगुरी कर्नाटका, बेल्लारी कर्नाटका, देखनी ये। अब फ्रेंड इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, सबके ज़्यादा वो नहीं है, सिर्फ नाम याद रखना है आपको, याद रखना मिचेरी, मिचेरी से जो है आपको याद रखो, इसमें रखो सबसे अच्छा स्किन जो है यहीं से प्राप्त होता है, ठीक है कहाँ से मिचेरी, मिचेरी से हाईएस्ट क्वालिटी स्किन यहाँ से मिलता है, ठीक है। और आपसे पूछा है सबसे टालेस्ट ब्रीड ऑफ इंडिया कौन सा है, तो निल्लौर याद रखना, ठीक है निल्लौर, निल्लौर क्या होता है टालेस्ट ब्रीड, ये स्पेशली मटन के लिए होता है लेकिन निल्लौर जो है टालेस्ट ब्रीड होता है। और आपसे स्मॉलेस्ट पूछा जाए तो स्मॉलेस्ट होता है मंडिया, ठीक है मंडिया जो है स्मॉलेस्ट होता है, इसको बन्नूर भी बोलते हैं। ओके फ्रेंड तो ये हो गया फ्रेंड, अब देखते हैं ईस्टर्न रीजन में कौन कौन से होते हैं, चार एक क्लासिफिकेशन है चौथा है, ठीक है तो ईस्टर्न रीजन से कौन कौन से हैं, इसको याद करने का तरीका क्या है, छोटा बौना, ठीक है तिब्बतियन, साहब, बालन से गंजे हैं, बालन से गंजे हैं। ओके फ्रेंड याद रखो। अब फ्रेंड यहां पे बात करते हैं कैसे कैसे होगा इसका ब्रीड, छोटा छोटा मतलब छोटा नागपुरी, छोटा नागपुरी, ठीक है पहला ब्रीड कौन सा हो गया छोटा नागपुरी, बौना दूसरा क्या आ गया बौना, बौना मतलब बोनपाला, तीसरा तिब्बतन, तिब्बतन से तिब्बतन ही रखो, ठीक है तिब्बतियन, साहब साहबादी, बालन बालनगर, ठीक है से सेंटेंस बढ़ाने के लिए गंजे गंजे हैं, ठीक है गंजम। ओके फ्रेंड फ्रेंड अब बताते हैं छोटा नागपुरी कहाँ का मतलब कि अधिकतर कहाँ रहती है, ये जो है आपको बिहार, बिहार एंड वेस्ट बंगाल साइड में, ठीक है बोनपाला कहाँ पे है सिक्किम का है, ठीक है सिक्किम में पाया जाता है, तिब्बतियन कहाँ पे है आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, ठीक है सबादी कहाँ की है बिहार, ठीक है बालनगर कहाँ उड़ीसा, गंजम कहाँ की है उड़ीसा, ठीक है तो इस तरह से ये जो है कहाँ पाए जाते हैं उसके हिसाब से नाम हो गया।
फ्रेंड अब बात करते हैं कुछ एग्जॉटिक ब्रीड हैं और कुछ क्रॉस ब्रीड हैं, ठीक है, उनको जल्दी जल्दी याद कर लेते हैं। एग्जॉटिक ब्रीड में क्या होता है, मैरिनो। मैरिनो ये कहाँ का है, स्पेन का है, और सबसे बेस्ट पूरे वर्ल्ड में जो है फाइन उल निकलता है, तो कहाँ से निकलता है, मैरिनो से। अगला है रामबोलेट, कहाँ का है, फ्रांस का है, ठीक है, और ये कहाँ से डेवलप हुआ है, इसी मैरिनो से ही डेवलप हुआ है रामबोलेट। लिंकोलन कहाँ का है, इंग्लैंड का, ये जो है सबसे लार्जेस्ट एंड हैवीएस्ट ब्रीड होता है, ठीक है, लार्जेस्ट एंड हैवीएस्ट ब्रीड कौन सा है, लिंकोनल। लिस्टिस्टर ये कहाँ का है, इंग्लैंड का। साउथ डाउन इंग्लैंड का है, ठीक है, इसका जो फेस रहता है, ये फेस याद रखिए, माउसेरी माउसी ग्रे फेस टाइप रहता है, ठीक है। कैरेक्विल, कैरेक्विल कहाँ का है, उज्बेकिस्तान, ठीक है, उज्बेकिस्तान। तो ये कहाँ मतलब किसके लिए होता है, बेस्ट पेल्ट पर्पज, ठीक है, पेल्ट पर्पज इससे होता है, ठीक है, सबसे बेस्ट पेल्ट इसी से निकलता है। पेल्ट मतलब क्या होता है, फर, ठीक है, अगर फर की बात करेंगे सबसे बेस्ट जो है इसी का रहता है। सफलॉक जो है सबसे बेस्ट मटन रहता है, इंग्लैंड का है, डॉर्सेट इंग्लैंड का है, ठीक है, ये एग्जॉटिक ब्रीड है, दिमाग में थोड़ा सा रखो इसको। अब बात करते हैं क्रॉस ब्रीड के, सीप के क्रॉस ब्रीड में कौन सा था, हिसारडेल, जैसा कि मैंने इसको बताया ही था, किससे बनता है, ऑस्ट्रेलियन मैरिनो रैम से एंड बीकानेरी ईयू से, और बीकानेरी ईयू में कौन सा यूज़ किया गया था, मांगरा, ठीक है, ये कहाँ का है, गवर्नमेंट लाइव स्टॉक फार्म ने बनाया था, ठीक है, हिसार के। अब आ जाइए अबिकालीन अभिवस्त्रा, अबिकालीन कहाँ, किसने बनाया था इन दोनों को, सेंट्रल सीप वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। अबिकालीन में क्या किए थे, ये जो है राम बोलेट, पता है ना राम बोलेट क्या है, एग्जॉटिक ब्रीड को लेके इसका मेल, और एक क्रॉस कराए थे मालपुरा ईयू से, ठीक है, तो बन गया था अबिकालीन, ठीक है, अबिकालीन किससे, मालपुरा ईयू, मतलब मालपुरा फीमेल लिए थे, राम बुलेट मेल। अभिवस्त्रा, अभिवस्त्रा याद रखो, राम बुलेट तो रहता ही है, अब इसको अगर क्रॉस कराते हैं चोकला से, ठीक है, अगर चोकला से क्रॉस कराएंगे तो अभिवस्त्रा बनता है। भारत मैरिनो में क्या है, इसमें जो है मिक्स था, चोकला नाली का पहले क्रॉस कराया गया, फिर इसको जो है क्रॉस कराया गया मैरिनो एंड राम बुलेट से। कश्मीर मैरिनो क्या है, यहाँ पे बहुत सारे ब्रीड लिए गए, गड्डी भाखरवाल पुंछी, इनको क्रॉस कराया गया किससे, मैरिनो से, मैरिनो एंड राम बुलेट से। अब आ जाइए इंडियन काराकुल, इंडियन काराकुल जो है इसको बीकानेर ने ईजाद किया था। अब इसके बाद जो है इसका जो है कैसे हुआ था, मालवारी मालपुरा एंड सोनाड़ी, इतने ब्रीड लेके जो है इसको काराकुल से जो है क्रॉस कराया गया, ठीक है, काराकुल, मालवारी मालपुरा सोनाली, इंडियन काराकुल। सिंथेटिक नीलगिरी, सिंथेटिक क्या है, मतलब नीलगिरी का क्रॉस जो है इसको जो है राम बुलेट या मैरिनो से जो है क्रॉस कराया गया, तो जो है नीलगिरी सिंथेटिक, कहाँ बनाया था, तमिलनाडु। अब आ जाइए पतनवाड़ी सिंथेटिक, तो सेम पतनवाड़ी का क्रॉस जो है राम बुलेट और मैरिनो से कराया गया, तो पतनवाड़ी सिंथेटिक। तो फ्रेंड ये सभी जो है ब्रीड ख़त्म हो गए हैं, अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ जो सीप में अधिकतर यूज किया जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड वीडियो एंड करने से पहले कुछ टर्म है इसको याद कर लो, जो एडल्ट मेल को क्या बोलते हैं, रैम, ठीक है, इसको एडल्ट फीमेल को क्या बोलते हैं, ईयू, यंग मेल को क्या बोलते हैं, रैम लैम, यंग फीमेल को क्या बोलते हैं, ईवी लैम, ईयू लैम, ठीक है, न्यू बार्म को क्या बोलते हैं, लैम्प, ग्रुप को क्या बोलते हैं, फ्लॉक, ग्रुप ऑफ एनिमल को सीप को क्या बोलते हैं, फ्लॉक। कैस्टेटेड मेल को क्या बोलते हैं, वेदर, वेडर या वेदर, ठीक है, इन दोनों में कोई भी बोल सकते हैं। एक्ट ऑफ मेटिंग को क्या बोलते हैं, टपिंग, TUPPING, टपिंग। एक्ट ऑफ पास्टुरेशन क्या बोलते हैं, लैम्बिंग। मीट को क्या बोलते हैं, मीट किसको, सीप के मीट को क्या बोलते हैं, मटन। हो फ्रेंड आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और इससे जो है आपके लगभग सभी ब्रीड जो है सीप के वो याद हो गए होंगे। तो फ्रेंड मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक पे। जय हिंद।